Allí, en meter. Smart en meter. Transmitter कस्टमर का कंप्लेंट एक दो हफ्ते से कभी कूलिंग होता है, कभी नहीं होता है, कभी फ्रीज़र में अच्छा कूलिंग रहता है, कभी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग ही नहीं होता है। अभी हम चेक करने आए हैं रेफ्रिजरेटर का कूलिंग 12 प्लस, ये है फ्रीज़र टेम्परेचर का कूलिंग -14। और चीज़ें कितनी बार ख़राब हो चीज़ें आपके दूध एक ही अभी बार, हुआ होगा तो। पहले खाली कूलिंग नहीं करता था और अरे मतलब एक ही दिन कूलिंग नहीं हुआ तो हाँ दूध बिगड़ गया था एक दो दिन। बस खाली दूध दे, बस आज तो पता नहीं थोड़ा कूलिंग लग रहा है। चार तो कूलिंग है +10.2। पॉइंट हो गया। आप आने वा कोई आने वाला रहता ना रिपेयरिंग के लिए तो ऐसा हो जाता है। ऐसा है क्या? बट जो भी देख लो क्या मैं खोल के सीन। चेक करूंगा पहले टेम्परेचर कितना है, देखता हूँ 10 मिनट में कितना टेम्परेचर दिखाता है। पहले -15 टेम्परेचर है, बहुत बेहतर बेहतर है कूलिंग, -15 डिग्री है ऊपर, -15 प्रॉपर है। प्रॉपर है। मैं खोल के एक बार चेक करना पड़ेगा, प्रॉब्लम बोल रहे हो जैसा आप बोल रहे हो वैसा। ये +6 आएगा तो इसका मतलब आपका फ्रिज 100% ओके है, मगर अभी आप बोल रहे हो दूध खराब हुआ, तो वो उसका वजह ढूंढने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो मुझे 5 मिनट के बाद खोल के चेक करना पड़ेगा इसमें क्या है, रीजन क्या है क्यों, तो 5 मिनट वेट करना एक्चुअली पड़ेगा। मैंने मेरे हस्बैंड को वही बोला आज, बोला ना आने वाले में, मैं 2 दिन के बाद बुलाना था, वापस पता चलेगा कि बंद हुआ है क्या क्या है। 2 दिन के बाद ऐसा तो नहीं, हाँ प्रॉब्लम रहेगा तो तुरंत मालूम पड़ जाता है, फिर मैं चेक करूंगा खोल के, मैं आपको बता दूं। सामान खाली करना पड़ेगा आपको, जब मैं बोले तभी खाली करने का, आज ही होगा। चेकिंग आज ही होगा। अगर कुछ पार्ट खराब है तो उसको टाइम लगेगा, चेकिंग तो 100% आज आपको प्रॉब्लम क्या है वो सॉल्व हो जाएगा, मगर जो अगर कुछ पार्ट डालना है, पार्ट अवेलेबल रहेगा तो हो जाएगा 100%, आज का आज ही हो जाएगा। अगर पार्ट का है, अगर पार्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर टाइम लगेगा, पार्ट कितना टाइम? के ऊपर है, पार्ट जब आएगा तब होएगा। पहले कन्फर्म तो करे तो मुझे, बगैर कुछ खराब होगा मतलब मेरे पास चेक तो करना कन्फर्म है पहली बात तो। -15.3
8.3 ठीक8.1 रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर 8.0 79 फ्रीजर टेम्परेचर -15.5 7.5 रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर फ्रीजर टेम्परेचर -15.7 7.4 हम चेक करेंगे फोन केस में प्रॉब्लम क्या है करके पेपर हीटर बर्फ जाम हो चुका है इसमें पेपर हीटर खराब है इसके थ्रू आइस जमता है खोल के चेक करेंगे जो हम इसमें गर्म पानी डालने वाले इसमें नमक डाले हमने बर्फ जाम हो चुका है पूरी तरह से पूरा बर्फ जाम है
अभी हम गर्म पानी डालेंगे इसमें तो बर्फ़ पिघल जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे पेपर हीटर चेंज करने के लिए बॉडी को काटना पड़ता है, बॉडी को खींच के काटना पड़ता है। यह है पेपर हीटर, ख़राब होने की वजह से नीचे कूलिंग नहीं होता है, इसको चेंज करना है। अभी अवेलेबल नहीं है। यह कंटिन्यूटी में जलना चाहिए, जल ही नहीं रहा है तो इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो अभी हमारे पास नहीं है, प्रॉब्लम पेपर हीटर रिप्लेस करना पड़ेगा, अभी अवेलेबल नहीं है। बाद में अभी आगे का वीडियो आगे।